नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीके एजुकेशन में। आज हम देखने जा रहे हैं 2020 और 21 में पहली बार जो नया शुरू हुआ उसके बारे में क्वेश्चन आंसर के जरिए देखेंगे। दोस्तों ये सभी आपके परीक्षा हेतु उपयोगी है, इसमें से एक दो प्रश्न आपको आपके परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में भूमिगत रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। दूसरा प्रश्न, भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन सा है? बाजा गांव, यह है बैतूल मध्य प्रदेश में। तीसरा प्रश्न, भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया? गुरुग्राम हरियाणा में पहला वाटर पार्क खोला गया। चौथा प्रश्न, अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच। पांचवा प्रश्न, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? पटना बिहार में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया। छठा प्रश्न, भारत का पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ स्थापित किया गया? बंगलोर कर्नाटक में पहला एयर प्यूरीफायर स्थापित किया गया। सातवां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। भारत का पहला प्यूरीफायर, दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये हम नहीं देखेंगे। नौवां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा, ये भी रिपीटेड है दोस्तों, तो आगे का देखते हैं। ग्यारहवां प्रश्न, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। बारहवां प्रश्न, भारत में डायनासोर पार्क किस राज्य में खोला गया है? गुजरात में डायनासोर पार्क खोला गया। तेरहवां प्रश्न, 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य होगा? हिमाचल प्रदेश। चौदहवां प्रश्न, भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। पंद्रहवां प्रश्न, भारत में अनुबंध खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सोलहवां प्रश्न, भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सत्रहवां प्रश्न, ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? गुवाहाटी असम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।